बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने लूप की पहली टाइप व्हाइल लूप की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम सेकंड टाइप ऑफ द लूप डू व्हाइल लूप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डू व्हाइल लूप भी व्हाइल लूप की तरह का ही है। यहाँ भी आप व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं और कंडीशन के ट्रू हो जाने पर ही लूप की बॉडी में रखी गई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा डिफरेंस है व्हाइल और डू व्हाइल में, वो है इस डू के कीवर्ड पर। और दोस्तों, ये डू व्हाइल का सिंटैक्स देखिए। यहाँ आप सबसे पहले डू का कीवर्ड लिखेंगे लोअर केस में, और डू के कीवर्ड के बाद कर्ली ब्रेसेस में उन स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जिनको आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। दोस्तों, जिस तरह व्हाइल लूप में व्हाइल के बाद लूप की बॉडी स्टार्ट होती थी, यहाँ डू व्हाइल लूप में डू के बाद लूप की बॉडी स्टार्ट होगी और फिर लूप की बॉडी के बाद आ जाएगी व्हाइल का कीवर्ड, और while के कीवर्ड के बाद आप पैरेंथेसिस में कंडीशन देंगे। और दोस्तों, जिस तरह while लूप में आप कंडीशन के बाद कोई टर्मिनेटर नहीं यूज करते थे, do while लूप में आप कंडीशन के बाद लाजमी का टर्मिनेटर यूज करेंगे। अगर आप टर्मिनेटर यूज नहीं करते तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, सिंटेक्स के बाद आइए जानते हैं कि डू वाइल लूप काम कैसे करेगा। दोस्तों, यहाँ आपका कंट्रोल सबसे पहले इस डू के कीवर्ड पर आएगा, इसके बाद डायरेक्टली इस लूप की बॉडी में रखी गई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और एक दफा एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कंडीशन को चेक करेगा। यानी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है, तब भी लूप की बॉडी में लिखी गई स्टेटमेंट्स एटलीस्ट एक बार जरूर एग्जीक्यूट होंगी। और डियर फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है व्हाइल और डू व्हाइल में, क्योंकि व्हाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन अगर पहली दफा में ही फॉल्स हो जाती है तो व्हाइल की बॉडी में लिखी गई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। जबकि डू व्हाइल में, क्योंकि कंडीशन स्टेटमेंट्स के बाद एग्जीक्यूट होगी, इसीलिए पहले लूप की बॉडी में रखी गई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका कंट्रोल दोबारा से इस डू के कीवर्ड पर जाएगा, दोबारा से इस कंडीशन इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा। और ये प्रोसीजर तब तक के चलता रहेगा जब तक के कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन दोस्तों, अगर पहली दफा में ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब भी डू व्हाइल में एक बार तो जरूर आपकी कंडीशन आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इसीलिए डू व्हाइल लूप तब बहुत ज्यादा करामत साबित होता है जब आप अपने आउटपुट को एक दफा जरूर चेक करना चाहते हैं, एक दफा जरूर देखना चाहते हैं, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो तब भी। तो दोस्तों, जिस तरह व्हाइल लूप को टेस्ट लूप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन एट द स्टार्ट ऑफ द लूप चेक की जाती है, जबकि डू व्हाइल लूप को पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है। पोस्ट के मानी बाद के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन को एट द एंड ऑफ द लूप चेक किया जाता है। अब दोस्तों, आइए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले डू है, और डू के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट लिखी गई है, कोड इनसाइड द डू व्हाइल लूप, यानी ये तमाम कोड आ जाएगा। इसके बाद कंडीशन होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो फिर आपकी लूप एंड हो जाएगी। यानी सबसे पहले इस डू के अंदर मौजूद जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तब ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएगा आपका कंट्रोल। अब आइए दोस्तों, जिस तरह व्हाइल लूप के थ्रू हमने कल लास्ट लेक्चर में 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाया था, अब उसी प्रोग्राम को हम डू व्हाइल लूप के थ्रू परफॉर्म करवाते हैं। दोस्तों, ये है वो प्रोग्राम। अब अगर हम इस व्हाइल के प्रोग्राम को डू व्हाइल में कन्वर्ट करें, तो याद रखिए डू व्हाइल और व्हाइल के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है डू के कीवर्ड का। यानी जो स्टेटमेंट्स आप व्हाइल की बॉडी में लिखते थे, अब वो स्टेटमेंट्स आप डू की बॉडी में लिखेंगे। और दोस्तों, ये जो आपकी लाइन है, ये व्हाइल और उसके आगे पैरेंथेसिस और कंडीशन वाली, ये अब एट द स्टार्ट नहीं आएगा बल्कि एट द एंड ऑफ द लूप आएगा। आप सबसे पहले इसको कंट्रोल एक्स करके कट करेंगे, कट करने के बाद इसको एट द एंड ऑफ द लूप लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाइल के अंदर जो लूप की बॉडी थी, अब डू व्हाइल के अंदर वो आप डू के कीवर्ड के अंदर लिखेंगे। यानी इस तरह से आप लिखेंगे डू, इसके बाद ये वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिनको आप बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, और आखिर में आप व्हाइल लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे, उसके बाद कंडीशन देंगे, और टर्मिनेटर जरूर लगाएंगे। दोस्तों, आप व्हाइल के अंदर आपका टर्मिनेटर यूज नहीं करते थे, जबकि डू व्हाइल के अंदर आपको टर्मिनेटर लाजमी यूज करना है। इसके बाद दोस्तों, अब आपका ये व्हाइल का प्रोग्राम डू व्हाइल में कन्वर्ट हो चुका है। आइए इसको प्रिंट करते हैं, और ये देखिए
while की तरह अब do while के प्रोग्राम ने भी आपके 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करवा दिए। यानी दोस्तों इस तरह से while और do while ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन while और do while में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि while के अंदर अगर पहली दफा में ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपकी वाइल की बॉडी में लिखी गई स्टेटमेंट एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जबकि डू वाइल के अंदर अगर आपकी कंडीशन पहली दफा में फॉल्स हो भी जाती है तब भी पहले एक दफा आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो जरूर एग्जीक्यूट होगी। इसको आपको मजीद डिफाइन करने के लिए हम एक और प्रोग्राम का सहारा लेते हैं। दोस्तों यहाँ ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है आई, जिसमें वैल्यू स्टोर करवाई है 0। अब क्योंकि हम इसको while लूप से कर रहे हैं और while लूप आपका प्री टेस्ट लूप है, यानी ये आपकी कंडीशन को सबसे पहले चेक करता है। हमने while का कीवर्ड लगाया, parenthesis लगाया और यहाँ पर लिख दिया i equals to 1, यानी i जो है अगर तो ये 1 के बराबर है तो ये while की बॉडी में लिखी गई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये प्रिंट कर दे आउट ऑफ द लूप। और यहाँ पर आप इसका रिजल्ट देखिए, क्योंकि i जो है वो 0 है और 0 1 के बराबर नहीं है, आपकी कंडीशन पहली दफा में ही फॉल्स हो गई तो यहाँ पर ये while की बॉडी में आपका कंट्रोल नहीं जाएगा, बल्कि कंट्रोल इस printf की कंडीशन स्टेटमेंट पर आ जाएगा, यानी लूप से बाहर आ जाएगा और इसे प्रिंट करवा दिया आउट ऑफ द लूप। अब दोस्तों अगर हम इसी प्रोग्राम को do while लूप से करें तो इसका रिजल्ट कुछ और होगा। यहाँ पर हमने इसको do while लूप से किया है, हमने इसी तरीके से एक काउंटर वेरिएबल लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज करा दिया और जो स्टेटमेंट हमने वहां पर while लूप में लिखी थी अब वो स्टेटमेंट हमने डू के अंडर लिखी है, डू की बॉडी में लिख दी है, हमने लिखा while versus do while। इसके बाद दोस्तों आखिर में हमने कंडीशन दी है, क्योंकि हमारा जो do while लूप है वो पोस्ट टेस्ट लूप है, यानी इसके अंदर आप आखिर में कंडीशन को टेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पर वही कंडीशन टेस्ट करवाई है कि क्या i जो है वो इक्वल टू 1 है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर ये दोबारा से इस डू की बॉडी में रखी गई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये प्रिंट कर दे आउट ऑफ लूप। और यहाँ पर दोस्तों आप इसका रिजल्ट देखिए तो इसने इन दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इसने डू के ऊपर आपका कंट्रोल आया है, उसके बाद डू की बॉडी के अंदर कंट्रोल गया और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद इसने कंडीशन को चेक किया है। अब कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो गई है तो अब ये दोबारा इस डू की बॉडी पर नहीं जाएगा, बल्कि इस डू वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और बाहर आने पर इसको ये स्टेटमेंट मिलेगी, तो इसने इस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर दिया। Which means, दोस्तों अगर while loop के अंदर आपकी कंडीशन पहली दफा में ही false हो जाती है तो एक बार भी आपकी while loop में रखी गई स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन do while loop के अंदर अगर पहली दफा में कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तब भी एक बार जरूर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। इस तरह दोस्तों ये do while loop काम करता है, यानी जब कभी भी आप एक दफा जरूर अपने प्रोग्राम का आउटपुट देखना चाहते हैं, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, तो तब आप यूज करेंगे डू वाइल लूप। तो दोस्तों ये था डू वाइल लूप। अगले लेक्चर में हम थर्ड टाइप ऑफ द लूप फॉर लूप की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।